नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं अमजद रज़ा। अच्छे दिन आने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि चुनाव आने वाला है, है ना। ये जो जुमला है, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये आप 2014 से निरंतर सुनते आ रहे हैं। लगभग 9-9.5 साल हो गए हैं ये सुनते हुए, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जो मोदी सरकार है, वो हमारे देश की माताओं बहनों को एक बहुत ही ख़ास और कीमती तोहफा देने जा रही है, जिसकी शुरुआत आज 30 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन से ही शुरू हो गई है। यानी ये जो सुविधा है, ये जो मज़े की बात है और बहुत गुड न्यूज़ है, ये आज रक्षाबंधन के दिन से ही लागू कर दी गई है। या ऐसे कहें, ये जो स्कीम का पिटारा है, और इस पिटारे में से जो पहला स्कीम निकाला गया है और देश की बहनों को और माताओं को भेंट किया गया है, इसकी शुरुआत 30 अगस्त 2023 यानी रक्षाबंधन के दिन ही शुरू किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि हमारे देश में अभी हाल ही में, आप सबको पता है कि गैस सिलेंडर के दाम लगभग 1150 से 1200 तक पहुँच गए हैं। लगभग मोटा मोटा भी माने तो 1100 रुपये। और मोदी गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया है कि अब हम अपने देश की जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको रक्षाबंधन का गिफ्ट देते हुए 200 रुपए की भारी छूट गैस सिलेंडर में देने जा रही हैं। यानी जो सिलेंडर आपको 1100 रुपए में मिल रहा था, अब उसमें 200 रुपए की कमी हो जाएगी और आपको वो सिलेंडर 900 रुपए में मिलेगा। ठीक है, देश में लगभग 33 करोड़ ऐसे उपभोक्ता हैं जिनको सिलेंडर जो है 1100 रुपये, 1150 या 1200 के रेट में मिलता है। अलग अलग राज्य में अलग अलग रेट है, ऊपर नीचे, लमसम 1100 रुपये का रेट हम मान सकते हैं। तो आज रक्षाबंधन के दिन मोदी गवर्नमेंट ने ट्वीट करके भी ये रक्षाबंधन का गिफ्ट हमारे देश के बहनों को भेंट किया है। ये आप स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं, उनका जो ट्वीट है वो मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो कैसा लगा खबर सुन करके? हाँ जी, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। और अभी तो ये सिर्फ एक शुरुआत है, आगे आगे देखिए अभी कैसे कैसे स्कीम आते हैं। जैसे कि अभी टमाटर का रेट बहुत बढ़ा हुआ था, 200-250 तक कहीं गया, और अब आकर के टमाटर जो है 50 रुपये, 60 रुपये या 40 रुपये पर आकर के स्टेबल हुआ है। तो इसी तरह से अभी जितने चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं, आने वाले जो 6 महीने हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद चुनाव होना है, तो ये जो 6 महीने हैं, ये देश की जो जनता है उनके लिए बहुत सारे उपहार लेकर के आने वाली है। जैसे अभी एक उपहार आ गया है, गैस सिलेंडर में 200 रुपए की छूट है। अभी छूट कैसे है, किनको मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, उस पर मैं भी आता हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आएंगे, हमारे जितने भी नेताजी लोग हैं किसी भी पार्टी के, तो वो आपके लिए तरह तरह की स्कीम लेकर के सामने आएंगे। और भविष्य में हो सकता है कि हमारे जो डीजल पेट्रोल के रेट हैं वो भी थोड़े से कम हो जाएं इन्हीं सब के चक्कर में। तो ये जो 6 महीने का टाइम है चुनाव के पहले का, ये गोल्डन टाइम पीरियड है देश के सभी नागरिकों के लिए। उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल 200 रुपए की जो है भारी छूट का ऐलान किया गया है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से। और वो छूट किस तरह से मिलेगा, इसको ध्यान से समझिए। अभी हमको अगर सिलेंडर 1100 रुपए का मिलता है, तो पैसे आपको पूरे 1100 रुपये ही देने होंगे। 200 रुपये आपको कैसे प्राप्त होंगे, कैसे छूट मिलेगा? तो वो छूट मिलेगा सब्सिडी के तौर पे। आप सबको पता है कि सब्सिडी पहले बंद हो चुकी थी, लेकिन अब आपको जो 200 रुपये का छूट मिलना है वो सब्सिडी के तौर पर मिलेगा। यानी 200 रुपये आपके खाते में कैश बैक आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, कुछ उपभोक्ता ऐसे हैं जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, और लगभग हमारे देश में 9.60 करोड़ उपभोक्ता जो हैं वो उज्ज्वला योजना से संबंधित हैं। उनको अभी 2023 से 200 रुपए की सब्सिडी ऑलरेडी मिल रही थी, और अब रक्षाबंधन का जो गिफ्ट है 200 रुपए, ये एक्स्ट्रा उनको एज ए बोनस और मिलेगा। तो जो उज्ज्वला योजना के उपभोक्ता हैं उनको कुल मिला के 400 रुपए का कैशबैक ऑफर मिलना है, 400 रुपए की सब्सिडी मिलनी है। पैसा पूरा ही लगेगा, कैशबैक जो आएगा आपका, सब्सिडी जो आएगा, तो उज्ज्वला योजना वालों को 400 रुपए का आएगा। और इस तरह से अगर 1100 का सिलेंडर आप ले रहे थे और 400 आपका सब्सिडी से वापस हो गया पैसा, तो वो सिलेंडर आपको 700 रुपए का पड़ेगा। और नॉर्मल जो यूज़र्स हैं, जो 33 करोड़ लगभग यूज़र्स हैं गैस सिलेंडर के, उनको 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी और आपको लगभग सिलेंडर 900 से 1000 रुपए का मिलेगा, ठीक है।
तो ये एक छोटी सी खबर थी जो मुझे आपको देनी थी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में किसी अगले न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।